छोटी लड़की ने मार दिया तुम्हें। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी, तुम मुझे पैसे भी दे रही थी, पर उस डिंपल ने सारा खेल बिगाड़ दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं उस डिंपल को। शायद वो भूल गई है कि मेरे रास्ते में रोड़ा बनने वालों का मैं क्या हाल कर देता हूं। लेकिन उससे पहले तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें और मुझे यहां आते हुए किसी ने देखा नहीं है, और होटल की रूम जयसिंह के नाम से बुक्ड है, इसलिए मैं अगर यहां से निकल गया तो मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। जयसिंह तुमसे कैसे पेश आता था वो तो गांव में सबको पता है। मुझे यहां से निकलना पड़ेगा, यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। पुलिस को नीलम की डेड बॉडी मिल गई तो उसके प्रेगनेंसी की बात उन्हें पता चल जाएगी, और फिर मुझ तक पहुंचने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरे सारे रिकॉर्ड्स पहले से ही उनके पास हैं। इस डिंपल ने बहुत बुरा फंसाया है मुझे। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें डिंपल। इस वक्त कौन आया होगा? यहां जो कुछ हुआ है बाहर किसी को इसकी भनक तो नहीं लग गई होगी? या डिंपल का कोई प्लान है मुझे फंसाने का? कौन है? सर आपका बिल। हाँ सर, इस पर आपकी साइन चाहिए थी। साइन कर देना मैंने, तो अब जाओ ना। थैंक यू सर। डॉक्टर, ओ डॉक्टर, डॉक्टर। बजिया भैया, नविया भैया, क्या हुआ? डॉक्टर को क्यों बुला रहे हैं? वो एक हमारा जरा जरूरी काम था उनके पास। लेकिन वो काम अब तुम्हें कल ही करना पड़ेगा, डॉक्टर तो आज नहीं मिलेंगे। अरे मैंने पुकारा हो और डॉक्टर ने जवाब ना दिया हो, ऐसा हुआ है कभी? आप बुलाइए डॉक्टर को। भजिया भैया आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन चाहते हुए भी वो अभी आपको जवाब नहीं दे सकते। ध्यान लगाकर जो बैठे हैं ना, और दो दिन तक ध्यान लगाकर बैठने वाले हैं अपने गुरु के साथ, उन्होंने ही बताया है मुझे। अगर डॉक्टर के ध्यान के दिन बढ़ गए, मतलब डबल हो गए, फिर तो मेरी वाटी लग जाएगी। ए गधे, ऐसी बात क्यों कर रहा है? और बता तेरा ऐसा कौन सा जरूरी काम है डॉक्टर के पास? जरूरी मतलब तेरे लिए ही, तेरा और वो जयसिंह का मैटर सॉल्व करना है ना। अगर तुमने फिर से झगड़ा किया तो मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं नामिया, वो जयसिंह मुझे फिर से मिलना चाहिए। तू देख लेना, कुछ उल्टी सीधी बात की ना मेरे साथ, बाल्टी से बांध कर कुएं में नहीं धकेल दिया ना, तो बचिया नाम नहीं मेरा एक ही गुस्से में। ये देखे, ये ऐसे ही करता है। मैं तो सिर्फ डॉक्टर को संदेशा देने आया था, यही। बजिया भैया, लेकिन अभी जाकर उनके ध्यान में खलन मत डालना। उन्होंने ही मुझसे कहा है कि किसी को भी कमरे के अंदर मत भेजना। हमें कोई शौक थोड़ी ना है उनके ध्यान में खलल डालने का, वो सब कुछ जान जाते हैं। वो तो ये भी जान चुके होंगे कि हम यहाँ आए हैं। सच में ऐसा हुआ तो अच्छा ही होगा। अगर लोगों ने जो पैसे डबल करने के लिए दिए वो मांगे तो मैं कहाँ से दूँ? कुछ भी हो जाए, इस बॉडी को मैं रूम के अंदर नहीं रख सकता। थोड़ा ही सही, लेकिन उस वेटर ने मेरा चेहरा जरूर देखा होगा। बॉडी यहीं पर छोड़ना मुमकिन नहीं है, बाहर भी नहीं ले जा सकता, यहीं कहीं छुपानी पड़ेगी। लेकिन कहाँ? कहाँ? होटल के अंदर ही कहीं छुपा देता हूँ। बॉडी यहां नहीं छुपा सकता, लोग लकड़ियां लेने के लिए आते जाते रहेंगे। अब कौन आ गया होगा? कौन है? सर मैं वेटर।
हाँ बताइए सर, आपका नाश्ता हुआ? हाँ सर, आपको नाश्ता पसंद तो आया ना? हाँ पसंद आया मुझे। सर हमारी सर्विस में कोई कमी तो नहीं रह गई ना? नहीं कुछ नहीं। सर आपको कुछ और चाहिए? नहीं कुछ जरूरत पड़ी तो बता दूंगा। सेकेंड हनीमून है क्या सर? महाबलेश्वर घूमकर आ सकते हो। अगर गाड़ी लगेगी तो मैं अरेंज करके देता हूँ, अगर एडवांस मिलेगा तो मैं तुरंत बुला लेता हूँ। नहीं अगर जरूरत होगी तो मैं बताऊंगा, एक मिनट है। यहाँ डेड बॉडी है इसकी खबर डिंपल ने पुलिस को तो नहीं दे दी? नहीं, अगर ऐसा होता तो पुलिस अब तक यहाँ आ चुकी होती। ये लो। इसकी कैसे? रख लो रख लो। और होटल में कुछ हुआ है क्या? इतनी पुलिस क्यों है यहाँ? ऐसी बात नहीं है, एक पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड हुए हैं, उनके रिटायरमेंट का फंक्शन है, उन्होंने होटल का हॉल बुक किया ना, इसलिए आए सब। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। अब कौन फोन कर रहा है? हेलो सर, आज शाम को आप रूम खाली करोगे ना? नहीं, क्यों, किसने कहा आपको? पर मैडम ने तो ऐसे ही कहा था। अरे नहीं, हमारा प्लान थोड़ा चेंज हो गया है, हम आज भी यहीं रहने वाले हैं। सर पर आपको रूम खाली करना होगा क्योंकि आज रिटायरमेंट का प्रोग्राम है, एसीपी और कमिश्नर साहब आने वाले और हमने आपके रूम उनको दे दी क्योंकि आज आप चेकआउट करने वाले थे। अरे ऐसे कैसे आपने रूम दे दी, पहले हमसे पूछ तो लिया होता। सॉरी सर, चाहो तो हम आपको दूसरा कमरा दे दे। नहीं मुझे दूसरा कमरा नहीं चाहिए, यही चाहिए। सॉरी सर, पर आप ये रूम कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप चाहो तो आपके लिए मैं दूसरा रूम अरेंज करवा देता हूँ। नहीं नहीं रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं शाम को चेकआउट करता हूँ। तो क्या करूँ मैं, वो एसपी अगर यहाँ रहने आया और उसने नीलम की डेड बॉडी देख ली तो मेरा खेल खत्म। ऊपर से यहाँ मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं, वेटर ने भी देखा है। ये सारी बातें मेरे खिलाफ जा सकती हैं, मेरी पुरानी केसेस भी फिर से ओपन हो जाएंगी। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नीलम की डेड बॉडी यहाँ से बाहर ले जानी पड़ेगी, लेकिन कैसे? टिम्पल, बहुत बड़ा खेल खेला है तुमने मेरे साथ, लेकिन पूरा हिसाब जरूर चुकाऊंगा, देखती जाओ। अब किसका फोन है? हेलो। हेलो डॉक्टर, छुपा दी क्या बॉडी? डिंपल तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं यहाँ से डेड बॉडी नहीं ले जा सकता, जानबूझकर पूछ रही हो ना, लेकिन तुम फिक्र मत करना, यहाँ से डेड बॉडी बाहर निकाल पाऊंगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें एक दिन सही जगह पर जरूर पहुंचाऊंगा। ऐसा क्या? अब मैंने क्या किया? अब आपको ही नीलम के साथ घूमने का शौक था ना, अब यही शौक भारी पड़ गया तो इसमें मेरी क्या गलती? उल्टा मैंने आपकी मदद करने के लिए आपको फोन किया है। एक बार बोल दीजिए, डिंपल मेरी मदद करो, मैं तुम्हें पार्टनर बना दूंगा, फिर देखिए ये डिंपल आपकी कैसी मदद करती है। इन सब से तुरंत बाहर निकालूंगी मैं आपको। इससे पहले भी 100 बार कह चुका हूँ, आज फिर से कहता हूँ, इस जन्म में मैं तुम्हें पार्टनर बनाऊंगा ये मुमकिन नहीं। फिर तो अपनी मुलाकात अब अगले जन्म में ही होगी लगता है, क्योंकि अब अकेले तो बॉडी नहीं छुपा सकते हैं आप, क्योंकि आसपास पुलिस है, और अगर पुलिस ने आपको बॉडी के साथ पकड़ लिया ना तो आपको फांसी पक्की है, इसीलिए हमारी मुलाकात तो अगले जन्म में ही होगी, तब तो मुझे पहचान लेंगे ना डॉक्टर, मुझे बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ भी हो जाए मुझे फांसी नहीं होनी चाहिए,
मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओ मंगल दीदी, प्लीज आप डॉक्टर साहब को बुलाइए ना, मेरा उनके पास बहुत जरूरी काम है। देखो मुझे उनकी मदद चाहिए। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि डॉक्टर ध्यान कर रहे हैं, और जब तक ध्यान खत्म नहीं हो जाता वो किसी से नहीं मिलेंगे। अच्छा आया है बड़ा ध्यान करने वाला, सोच हुए खाकर बिल्ली चली आज को। अरे कीड़े पड़े उसे। अरे दीदी बात तो सुनो ना, उनके ध्यान से भी ज्यादा जरूरी काम है मुझे उनके पास। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, बुलाइए ना उन्हें। अब मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ क्या करूँ। अब आप कुछ मत करना, जो कुछ करना है वो मैं ही करता हूँ। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं, सुनिए देखिए डॉक्टर ध्यान कर रहे हैं, उन्हें अभी नहीं। अरे सोनिया ये साइकिल बाजू कर, मुझे अंदर जाना है। हाँ इनको दिखाई तो नहीं देता। अरे डॉक्टर सुनिए, ऐसे सीधे अंदर मत चले जाइए, डॉक्टर ध्यान लगा कर बैठे होंगे, आप अंदर जाएंगे तो मुझ पर चिल्लाएंगे, ऐसा मत करिए। डॉक्टर अरे आपको समझ में नहीं आता, ध्यान कर रहे हैं। डॉक्टर मुझसे झूठ बोला ना आपने। अरे नहीं हाँ, वो कंगड़ी बाबा के दर्शन के लिए गए होंगे, वो जब वहाँ चले जाते हैं तो किसी को भी दिखाई नहीं देते, वो अंतरदान ऐसा कुछ कहते हैं ना, वहीं चले गए होंगे। ये कैसी बात कर रही हो आप, ऐसे कैसे डॉक्टर गायब हो जाएंगे। अब वो हो सकते हैं, पिछली बार भी ऐसे ही गायब हो गए थे वो। तो बढ़ती ही जा रही है, क्या करूं। ए जाधव चल जल्दी, अब बाहर कौन आ गया होगा। साहब को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ ऊपर बैठे हैं, समझे। हाँ हाँ चलो ठीक है ठीक है। ये पुलिस तो नहीं। ए, दरवाजा बंद किया है ना। हाँ बंद किया है। नीचे ही बैठते तो क्या होता, साहब ने नीचे अच्छा बंदोबस्त किया है। वो हमारे साहब हैं, उनके सामने पार्टी करना अच्छा नहीं लगता। बराबर है, साहब है हमारे, उनकी इज्जत करनी ही चाहिए। चलो जल्दी। ए, जल्दी खत्म करो, ज्यादा टाइम मत लगाओ। सुनो मेरी बीवी को कहीं देखा क्या। नहीं नहीं नहीं। सुनो मेरी बीवी नीलम, आपने उसे यहाँ कहीं देखा क्या। नहीं नहीं। वो जो पाइपलाइन के काम की देखभाल करने आती थी ना। हाँ आती तो थी, लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा। नहीं देखा तो डॉक्टर को देखा क्या। डॉक्टर को नहीं नहीं, उन्हें भी नहीं देखा। कहाँ चली गई होगी। नहीं नहीं, अगर इसने कुछ बोला ना तो मैं शांत नहीं रहूंगा। अरे आपने मेरी बीवी को कहीं देखा क्या। नहीं नहीं नहीं। शांत रहना, कुछ झगड़ा मत कर। मेरी बीवी को कहीं आपने देखा क्या। नहीं तो मतलब आज दिखे नहीं वो गांव में। और डॉक्टर। डॉक्टर है ना वाड़े में, ध्यान में बैठे हैं। किसने कहा तुमसे, मैं खुद कमरे में जाकर देखाया, वो तो नहीं है वहाँ। क्या डॉक्टर कमरे में नहीं है। नहीं डॉक्टर कमरे में नहीं है तो कहाँ गए होंगे। बजा चल देख कर आते। अब कौन आया होगा। वेटर उसको तो टिप मैं दे चुका हूँ, वो नहीं आएगा। पुलिस वाले तो नहीं आए होंगे। कौन है। पुलिस। क्यों क्या बात है। कोई लेडीज तो नहीं है ना अंदर। नहीं लेकिन क्या हुआ साहब। अरे अरे क्या बात है साहब। साहब क्या चाहिए आपको। कुर्सी ले रहा हूँ। मैं देता हूँ ना। दरवाजा बंद कर।
माफ करना, लेकिन आज हमारे साहब का फंक्शन है और हमें भी छोटी सी पार्टी करनी थी, लेकिन साहब के सामने पी नहीं सकते ना। वैसे वो बगल के कमरे में ही है, हम लोग वहीं पे बैठे हुए थे तभी वो अचानक फ्रेश होने के लिए आ गए, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। तुम भी लोगे थोड़ी? नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं शराब वगैरह नहीं पीता। वाह, भले इंसान लगते हो, शराब बुरी चीज है, पीना भी मत। ए जाधव, तुम थोड़ी कमी पीना, कल जब तुम्हारा खबरी टिप देगा तब हम सबको रेड करने जाना है। साहब, आप तो जानते हो ना, चोर, खूनी, डकैत, कोई भी हो, एक बार मेरे हाथ आ जाए ना तो उसका खेल खत्म हो ही गया समझ लो। और कोई खून वगैरह भी हुआ हो ना तो मैं उसे सूंघ लेता हूँ। अरे क्या सूंघ रहे हो तुम, यहाँ कोई खून तो नहीं हुआ है ना? नहीं यार, नीचे साहब का फंक्शन है ना, वहां से खीर की खुशबू आ रही है। तुम्हें बताता हूँ, मेरी नगर में जब पोस्टिंग थी तब ऐसे ही होटल के कमरे से किसी औरत की लाश बरामद हुई थी, तब मैंने एक ही दिन में खूनी को ढूंढ के निकाला, उसके पति ने ही उसकी सुपारी दे दी थी, उसने शहर से बाहर जाने का नाटक किया था और एक आदमी को कहकर उसे मरवा दिया था। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं नासिक में था तब वहाँ एक होटल में एक पति पत्नी रहने के लिए आए थे, कुछ दिनों बाद पति चला गया लेकिन पत्नी का कोई पता ही नहीं चला। अरे तो फिर कहाँ चली गई उसकी बीवी? कहाँ गई? अरे उसने उसे मारकर पेड़ के अंदर छुपाया था। बल्लाल, लगता है तुझे चढ़ गई है, बेड के अंदर नहीं बेड के नीचे होगी। नहीं यार, बेड के अंदर। अरे लेकिन ऐसे कैसे बेड के अंदर जाएगी बॉडी? अरे जाती है, मैंने खुद देखा था। अरे क्या दिमाग चलाया था। हाँ, लेकिन उसे मालूम नहीं था, पुलिस वालों का दिमाग एक गुनहगार के कदम आगे चलता है। क्यों साहब, क्या लगता है आपको, बॉडी बेड के अंदर जा सकती है या नहीं? अरे नहीं, इस बारे में मैं क्या बताऊंगा, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है इसके बारे में। मंगल भाभी, ओ मंगल भाभी, वो कॉन्ट्रैक्टर जो कह रहा था वो सच है? डॉक्टर साहब कमरे में नहीं है? नहीं है बजिया भैया। नहीं है मतलब आपने झूठ कहा था? अरे नामिया भैया, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, डॉक्टर सचमुच उनके कमरे में ही थे, मैंने तो उन्हें बाहर जाते हुए भी नहीं देखा, और अगर जाते भी तो मुझे तो दिखते ही ना, लेकिन नहीं, कल से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले हैं डॉक्टर। और पता है मुझसे क्या कहा था, वो अपने गुरुजी के पास जाने वाले हैं, और जब वो उनके कंगड़ी बाबा के पास जाते हैं ना, किसी को दिखाई नहीं देते। ए? दिखते नहीं? ऐसे कैसे नहीं दिखते? देखो मैं सच कह रही हूँ, कंगड़ी बाबा की कसम। अरे मंगल भाभी, आप क्यों कसम खाती हो? ए नामिया, गधे, डॉक्टर भगवान के अवतार हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो कुछ और ही डर लग रहा है, डॉक्टर हमें छोड़कर तो नहीं चले गए? अरे अगर जो ऐसा हुआ ना तो मैं पूरे गांव में शक्कर बांटूंगी, और इस वाड़े में रोज मुर्गी की दावत होगी। इधर घर में दो टाइम का खाना नहीं मिलता है, चलिए गांव को मुर्गी खिलाने। अरे डॉक्टर की वजह से दो निवाले मिलते ही, ये मत भूलना। हाँ हाँ नाम्या, मंगल भाभी कह रही है ना, हम डॉक्टर का दो दिन इंतजार करेंगे। मेरा मन मुझसे कह रहा है कि डॉक्टर वापस आ जाएंगे, मतलब आ जाएंगे। हाँ हाँ, जब वो आएगा ना तो उसे अपने घर लेके जाना। ले जाऊंगा ले जाऊंगा, अब चुप रहो। नामिया, इसके पहले कि आजी बोल बोल कर कान से खून निकाल दे, हमें यहाँ से निकलना होगा। चल चलते हैं। ऐसे कैसे गायब हो गए डॉक्टर? पता नहीं यार।
बेड के अंदर बॉडी जा ही नहीं सकती। अरे क्यों नहीं जा सकती हा? क्यों नहीं जा सकती? एक मिनट, चलो मेरे साथ चलो, बिल्कुल ऐसा ही बैठ। अबे थोड़ा हाथ तो लगा ना, उठा। ऐसा ही गद्दा था और ऐसा ही प्लाई था, और उस प्लाई के नीचे एक बॉक्स था, और उस बॉक्स के अंदर बॉडी रखी थी। हाँ, अरे वो प्लाई उठाना और देख बॉक्स है क्या। अरे लेकिन बॉक्स कहाँ है, यहाँ तो सिर्फ प्लाई है। बॉक्स नहीं है? नहीं। मैंने कहा था ना कि बॉडी बेड के नीचे होगी, क्योंकि बेड के नीचे जगह होती है। रुको, मैं दिखता हूँ। अरे ये क्या कर रहा है, इसने बेड के नीचे देख लिया तो मैं तुरंत पकड़ा जाऊंगा, इन्हें रोक भी नहीं सकता। अब मेरा खेल खत्म। जरा देखो तो कौन आया। देखो देखो, थोड़ा जल्दी। यहाँ पर हो आप लोग सब? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आप लोग को। अच्छा, सांप पहुंचने वाले होंगे, और आपको पार्टी के लिए नीचे बैठने के लिए जगह दी थी ना, तो यहाँ क्यों आए हो? चलो नीचे जल्दी। हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। अरे पर नीचे चल के बात कर लेते ना। और हाँ, हमारे बैच के बाकी लोग भी आए हैं, नीचे चलो। हमारे बैच के लोग? चलो चलो चलना यार, चलो चलो चल, जल्दी चल चल। थैंक यू। हाँ चल, निकल संभाल के। नहीं नहीं आप चलो। हेलो। हाँ डॉक्टर, क्या तय किया आपने? तो क्या बॉडी बाहर निकाल पाएंगे आप? उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ, देवी सिंह। अरे अभी भी वही रट लगा रहे हैं आप। देखिए मुझे मालूम है कि आप ही डॉक्टर रजत कुमार देव हैं, आप ही देवी सिंह हो, आप ही नटवर सिंह हो, सब कुछ जानती हूँ मैं। एक काम कीजिए, उस नीलम की लाश को जाकर बताना कि आप कौन हो। देखिए जिंदा होकर होटल से बाहर चली जाती है क्या? तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? सुनिए, मुझे आपके साथ बात करने का शौक नहीं है। हाँ, मैं आपको आखिरी बार कॉल कर रही हूँ, और आपको आखिरी बार ही पूछ रही हूँ कि आप मुझे पार्टनर बनाएंगे या नहीं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या फिर से बोली जरा, मैंने सुना नहीं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, एक काम कीजिए, बाथरूम के सामने एक अलमारी है, उस अलमारी में मैंने आपके लिए एक बैग रखी है। एक मिनट। हाँ है, आगे बताओ। आगे क्या, उस बॉडी को बैग में डाल दीजिए और निकलिए वहां से, सिंपल। डिंपल तुम बेवकूफ हो, इस इतनी सी बैग के अंदर इसकी बॉडी कैसे हो सकता है? इतनी सी बैग मतलब? आप भूल तो नहीं गए ना कि आप देवी सिंह हो? अरे आपने न जाने कितनी लाशें यूं ठिकाने लगाई हैं, और ये आपके लिए क्या चीज है, यूं ठिकाने लगा देंगे आप इसे भी। हाँ बोलो, आगे बोलो। अब आगे क्या, और हाँ दूसरे गेट से बाहर मत निकलिएगा, मेन गेट से ही आइए, क्योंकि मेन गेट पर अभी भीड़ है, उस भीड़ का फायदा उठाकर आप आराम से बाहर निकल सकते हैं, और किसी को शक भी नहीं होगा। यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ और वो बैग लेकर रास्ते पर घूमता रहता हूँ, यही करूँ ना? अरे कितनी जल्दबाजी है, बता रही हूँ ना मैं आपको अभी, थोड़ा धीरज रखिए ना। अब आप जैसे ही बाहर आएंगे ना, वहाँ आपको सामने एक गाड़ी पार्किंग में दिखाई देगी। अभी आप अगर खिड़की में से देखेंगे ना, तो आपको गाड़ी दिखाई देगी। एक मिनट।
हाँ गाड़ी तो है। चाबी ऊपर ही रखी है, जब बॉडी लेकर बाहर आएंगे तो बॉडी गाड़ी में रख देना और सीधा आकर मुझे पुल के ऊपर मिलिएगा। फिर उस बॉडी का आगे क्या करना है ना, वो हम देख लेंगे। कैसा लगा प्लान? सब कितना आसान लगता है ना तुम्हें। एक काम करो ना, तुम खुद यहाँ आ जाओ और बॉडी ले जाओ। अच्छा ऐसा क्या, आपने पहले ही मुझे पार्टनर बना लिया होता ना तो मैंने आपकी मदद कर दी होती, लेकिन अब मेरा मूड नहीं है। जो कुछ करना है वो आपको ही करना है। और हाँ, जल्दी से जल्दी कीजिए। हाँ, फिर से पुलिस के हाथ लग गए ना तो फिर आपकी खैर नहीं। तो फिर मत कहिएगा कि डिंपल ने आपकी मदद नहीं की, अभी से आपको बता रही हूँ मैं। डिंपल तुम एक्सक्यूज मी। यस सर। एसपी साहब के लिए हम लोगों ने रूम बुक की थी, वो अवेलेबल है ना? हाँ है ना, 15 मिनट में वो खाली हो जाएगी। एक मिनट है सर। कौन फोन कर रहा है? सुनो पकिया, रूम नंबर 205, उन्हें 15 मिनट में चेकआउट करने के लिए बोलना। ओके सर। थैंक यू। वेलकम सर। इन पुलिस वालों को कोई और काम नहीं है, क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? कौन है? वेटर सर। क्या काम है? वो एसपी साहब थोड़ी देर में होटल में आ रहे हैं, रूम खाली करना पड़ेगा सर। हाँ आ रहा हूँ 5 मिनट में। एक मिनट, ये बैग इतनी भारी क्यों है? अरे बाबर, यहां जरा तो रूम को साफ नहीं किया किसी ने। अभी आया सर। ए टोपी, तेरे बैग में पानी की बोतल नहीं है ना? लगता है बोतल तुमने ठीक से बंद नहीं किया है, पानी बाहर आ रहा है पूरा, कपड़े भीग गए होंगे। कोई खास कागज वगैरह तो नहीं इसमें? अरे हाँ, देख लीजिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे देखना, खोल के देख। सर,
आपके लिए फोन है। हाँ हाँ अभी आता हूँ। चलिए साहब ने ऊपर बुलाया, चलिए चलते हैं। मर गए, कुत्ता तो सुनकर पहचान जाएगा कि इसमें लाश है, फिर तो मेरा यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। खामखा मुसीबत क्यों मोल लो, थोड़ा दूर से ही निकल जाता हूं। रुको, क्या क्या हुआ साहब? अगर तुम्हें इतराज न हो तो तुम्हारे बैग की तलाशी ले सकता हूं मैं? अरे साहब मैं एक आम इंसान हूं, मेरे बैग में ऐसा क्या हो सकता है? उस डिंपल की बात नहीं सुननी चाहिए थी, क्यों आया यहां से? अब इन्होंने बैग चेक की तो मेरा खेल खत्म। चलो बैग खोलो। साहब क्यों आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो? वो क्या है ना कि मेरे जैसा आम इंसान क्या ले जाएगा इस बैग में? चेहरे से तो सब आम इंसान ही दिखते हैं, कुत्ता सिर्फ चेहरा नहीं देखता है। ये है हमारा रोजर, ये सुनकर पहचान लेता है कहीं कुछ गड़बड़ है। मुझे इसी ने सिग्नल दिया है, तुम्हारा बैग चेक करना पड़ेगा, हम ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते इसे। बैग चेक करनी है मुझे, रखो और खोलो। करो। हाँ सर। कुछ नहीं है सर। हाँ इसमें शक करने वाली कोई बात नहीं। देखिए साहब मैंने कहा था ना आपसे मेरे बैग में कुछ नहीं है, लेकिन आपने खामखा मुझे तकलीफ दी। देखो चेक करना हमारा काम है, हमारा रोजर यूं ही कभी नहीं भौंकता, ट्रेन डॉग है ये, कुछ तो गलत हुआ है। आप चाहो तो फिर एक बार बैग चेक कर सकते हो। नहीं नहीं ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। सॉरी हाँ तुम्हें तकलीफ हुई। नहीं नहीं कोई बात नहीं। लाश अंदर रखने में खतरा है, जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। गाड़ी की तरफ आना था तो डॉक्टर वहां कहां जा रहे हैं? आखिर कर क्या रहे हैं ये? मर गया,
कुत्ता तो सुनकर पहचान जाएगा कि इसमें लाश है, फिर तो मेरा यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। सर आप यहां, एग्जिट गेट तो उस तरफ है। हाँ वो खाना, ये सारे टेबल तो बुक है, पुलिस वालों का फंक्शन है आज यहाँ। हाँ ठीक है। सुनिए जी सर, आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं। मैनेजर साहब ने? अर्जेंट। ओके सर, अभी जाता हूँ सर। जल्द से जल्द इस लाश को होटल से बाहर ले जाना होगा। सारी मुश्किलें एक साथ ही क्यों आ रही हैं समझ में नहीं आ रहा। ये दोनों अगर कचरा उठाने यहाँ आ गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ लाश है। ए, चल रे बाबा, चल ऊपर से कैन लेकर आ। यार मैं ही क्यों लेकर आऊं, हर बार मैंने ही लाना है, ऐसा कोई कानून है क्या? पिछली बार भी मैं ही लेकर आया था। तो एहसान किया क्या मुझ पर? ये देख, गाड़ी चलाने का मेरा काम है और वो ड्रम लाना तेरा काम है। मेरा साथी छुट्टी पर है इसलिए ये काम हम दोनों को करना पड़ेगा, मैं अकेला कुछ नहीं करूंगा, वैसे भी ये ड्रम बहुत भारी होते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, आता हूँ मैं भी आता हूँ। चल ये हुई ना बात, चल चल। याद रखना सिर्फ तेरे लिए आया हूँ। हाँ चल। अरे गाड़ी तो यहीं पर थी। हाँ भाई मुझे भी समझ नहीं आ रहा, तुमने चाबी गाड़ी में लगा कर रखी थी। अरे कचड़े की गाड़ी कौन चुराता है, मैं हमेशा चाबी गाड़ी में ही छोड़ता हूँ। क्या? हाँ चल गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी वरना वो कॉन्ट्रैक्टर हमें मार कर कचरे में फेंक देगा। हाँ भाई चल 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 चल।
बहुत तकलीफ हुई ना, अब यहाँ आराम से सो जाना। डॉक्टर अजीत कुमार देव, कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ते हो ना आप? लेकिन अब मेरे पास सबूतों का खजाना है। डॉक्टर, आपको मेरे चंगुल से अब कोई नहीं छुड़ा सकता। आइंदा से मैं आपकी गुरु और आप मेरे शिष्य।